नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहली बात तो यही है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या। कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले हमने जब सिंपल इंटरेस्ट डिस्कस किया था, देखिए सिंपल इंटरेस्ट डिस्कस किया था, तो हमने एक बात कही थी कि इंक्रीजेस बाय सेम वैल्यू एवरी ईयर। ओके, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये देखिए कि थोड़ा सा लालच ज्यादा इन्वॉल्व है। लालच कैसे इन्वॉल्व है कि मान लो जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट का केस किया था और हमने कहा था कि आप 2 ईयर के लिए पैसे ले जाओ। ठीक है, फिर हमने कैलकुलेट किया, मान लो फर्स्ट ईयर ही हैज टू पे ₹10 एज इंटरेस्ट। ठीक है, अगर उसने सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से पैसे लिए हैं, पहले साल अगर उसका ₹10 इंटरेस्ट आ रहा है, तो सेकेंड ईयर भी उसको कितने रुपए देने हैं इंटरेस्ट के तौर पे? ₹10। मतलब 2 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा उसका? ₹20, ₹20 इंटरेस्ट हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट के केस में। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि जो पहले साल का जो इंटरेस्ट बना था ₹10, पहले साल का जो इंटरेस्ट बना था ₹10, वो मुझे तो नहीं मिला, मेरे काम तो नहीं आया वो ₹10। वो ₹10 भी आपने ही रखे हैं क्योंकि आपने पे नहीं किए। तो इसका मतलब वो कहेगा कि मैं फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट था मेरा, फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट था, मैं उसको नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बनाऊंगा। बात समझ में आई? कहने का मतलब ये था, मान लो हमने सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से ₹100 दिए थे किसी को, मान लो रेट दिया था 10%, और वो हमसे 2 साल के लिए लेके गया था, तो फर्स्ट ईयर के लिए उसका कितना आ गया रुपए? सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, फर्स्ट ईयर का निकाल रहा हूँ इसलिए 1 लिखा है, डिवाइड बाय 100, तो कितना आ गया? ₹10। तो और सेकेंड ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो भी क्या आएगा? 100 × 10 × 1 / 100, तो कितना आ गया? ₹10। लेकिन अब वो कहता है कि पहले साल जब मैंने इंटरेस्ट दिया यार, मेरे तो ये वाले जो ₹10 थे पहले साल के, वो ना ही तो मुझे मिले ना ही मेरे काम आए कुछ, वो भी आपके पास ही हैं, और आपने मुझे क्लियर तो 2 साल बाद किया है। तो वो कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट का जो केस आएगा वो ये कहेगा कि फर्स्ट ईयर का तो ठीक है, फर्स्ट ईयर यू हैव टू गिव ₹10 एज इंटरेस्ट, लेकिन आपने नहीं दिया, देयर फोर प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर विल नॉट बी सेम। सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल होगा वो ₹100 नहीं होगा। क्यों? 100 भी आपके पास हैं, ये 10 भी आपके पास हैं, तो इसलिए प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर विल बी ₹110। कहने का मतलब प्रिंसिपल फॉर एवरी सक्सेसिव ईयर विल बी अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट होगा वो नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल बनता चला जाएगा। अगर मान लो 3 साल के लिए पैसे दिए, तो 2 साल बाद जो अमाउंट बना वो तीसरे साल का प्रिंसिपल। 4 साल के लिए अगर पैसे दिए हैं, तो 3 साल का जो अमाउंट बना वो फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल फॉर एवरी सक्सेसिव ईयर विल बी दी अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है, तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर ₹110 बन जाएगा। इसका मतलब ही विल हैव टू पे इंटरेस्ट एज ₹110 × 10 × 1 / 100। मतलब उसको दूसरे साल जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितने रुपए बनेगा? ₹11। उसको दूसरे साल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? ₹11। मतलब अमाउंट पेएबल आफ्टर 2 ईयर्स, अमाउंट पेएबल आफ्टर 2 ईयर विल बी इक्वल टू 110, तो प्रिंसिपल था ₹11, ये हो गए, तो 110 + 11 तो कितना हो गया? ₹121। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में उसको कितने रुपए देने आते? एट द एंड ऑफ द डे ही हैज टू पे ₹120, ₹20 इंटरेस्ट, ₹100 वो लिए थे, लेकिन अब कितना हो गया? 121। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो वैल्यू है वो सक्सेसिवली बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जब वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल इज चेंजिंग एवरी ईयर, क्योंकि जो वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल है वो हर साल चेंज हो रही है, इसलिए हर साल जो इंटरेस्ट है वो भी ज्यादा मिलेगा। और अगर इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, तो इसका मतलब अगर हमें इंटरेस्ट पे करना है तो हमारे लिए वो कॉस्टली होगा। ठीक बात है या नहीं? तो
तो इसका मतलब ये हो गया कि अमाउंट पेबल आफ्टर 2 ईयर विल बी 121 अकॉर्डिंग टू कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट की भाषा में अगर करते तो उसको 120 ही करना पड़ता। ये एक बड़ा डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। और दूसरी जो बात है, एक बात और जो सामने निकल के आई है वो ये आई है कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर विल बी सेम। कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसे दिए हों चाहे सिंपल इंटरेस्ट पे पैसे दिए हों, अगर वो नॉर्मल कंडीशन में दिया गया है पर ईयर के हिसाब से आपको हिसाब किताब करना है तो दोनों वैल्यू सेम आएंगी। कहने का मतलब अगर मैंने सिंपल इंटरेस्ट पे पैसे दिए होते तो पहले साल के बाद देखो 10 रुपये इंटरेस्ट हो गया मेरा और 100 रुपये प्रिंसिपल था, तो कितने रुपए पे करने आते, 110 रुपीज, यही बात थी ना। लेकिन अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से भी दूं तो भी मुझे पहले साल 110 रुपीज ही पे करने पाएंगे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर आर सेम। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन में, इसमें कोई हाफ ईयरली क्वार्टरली जो आगे सिस्टम आएंगे उनकी बात नहीं की हमने। हमने अगर ईयरली पेएबल किया जा रहा हो सिस्टम को तो उसके अकॉर्डिंग बात की है। तो दो बातें हमने कही कि भाई सिंपल इंटरेस्ट तो सेम वैल्यू से इंक्रीज होता था, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये सेम वैल्यू से इंक्रीज नहीं करेगा। इट्स वैल्यू एज एन इंटरेस्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, इंटरेस्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इन कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट एक और देखते हैं हम इसमें। रवि बोरोड रुपीज 2000 एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। फाइंड अमाउंट पेबल आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट पेबल आफ्टर 3 ईयर, डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न इन सेकेंड एंड थर्ड ईयर। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। अब रवि ने कितने रुपए लिए हैं, 2000 रुपीज लिए हैं। सो अगर मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं तो मेरे पास प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रुपीज 2000। फिर उसने किस रेट से लिए हैं, रेट इज 5% पर एनम। अब ये सीआई कंपाउंडेड एनुअली, या अब इसमें दो बातें लिखी जा सकती थी, कंपाउंडेड एनुअली या रेट के बाद पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इन दोनों बातों से मुझे क्या पता चल रहा है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें या तो ऐसे रेट के साथ पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट है ये, या फिर इसमें एक वर्ड और यूज किया जा सकता था, कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली से मुझे क्या पता चल जाएगा, कंपाउंडिंग वर्ड जब ऐड हो जाएगा तो वो इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए प्रिंसिपल 2000, रेट 5%। अब मुझे 3 साल के लिए लिया था, लेकिन पहले पार्ट में मैंने पूछा अमाउंट पेबल आफ्टर 1 ईयर, सिर्फ 1 ईयर के बाद कितना पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट देखते हैं हम कितना अर्न करेगा वो आफ्टर 1 ईयर। इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के लिए प्रिंसिपल तो 2000 रुपीज ही रहेगा, रेट 5% ही रहेगी। अब सिर्फ 1 ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 डिवाइडेड बाय 100, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया, ₹100। इसका मतलब इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर कितना आ रहा है, 100 रुपीज। तो इसका मतलब अमाउंट पेबल आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद अगर वो पैसे दे देता है तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 2000 वॉज प्रिंसिपल, 100 एज इंटरेस्ट, तो मतलब 2100 रुपीज उसको पे करने पड़ेंगे। ये था पहला पार्ट, पेबल आफ्टर 1 ईयर। अब वो कह रहा है अमाउंट पेबल आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद कितना पे करेगा वो। तो देखो हमने पहले डिस्कस किया था अभी कि जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल है, तो अमाउंट पेबल आफ्टर 1 ईयर कितना है, 2100। तो इसका मतलब प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ₹2100 हो जाएगा। रेट तो सेम ही रहेगी, और अब हम इंटरेस्ट निकालते हैं, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, सिर्फ सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट अगर मैं निकालूं तो प्रिंसिपल इनटू रेट, रेट इज हाउ मच, 5%, टाइम इज 1 ईयर क्योंकि हम सिर्फ 1 साल का निकाल रहे हैं, सिर्फ सेकेंड ईयर का निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय 100, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो मेरे पास कितना आ गया, ₹105। इसका मतलब इंटरेस्ट दूसरे साल में उसने कितना इंटरेस्ट कमाया है, कितना पे करना है रवि को, 105। तो इसका मतलब अगर दूसरे साल वो पैसे देना चाहे तो उसको अमाउंट कितना पे करना पड़ता, अमाउंट पेबल कितना था प्रिंसिपल सेकेंड ईयर का, ₹2100, और इंटरेस्ट कितना आ गया, 105। तो दूसरे साल उसको कितने रुपए देने थे अगर वो क्लियर करता तो, 2205। दिस इज द अमाउंट पेबल आफ्टर 2 ईयर्स, लेकिन हमें तो 3 साल बाद निकालना है। दिस इज द अमाउंट पेबल टू आफ्टर 2 ईयर बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रिंसिपल जो है फॉर
थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल जो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ₹2205। रेट सेम ही रहेगी, टाइम 1 ईयर, क्योंकि सिर्फ थर्ड ईयर के लिए निकाल रहे हैं। तो मैं इसमें दोबारा से निकालता हूं कि इंटरेस्ट पेबल विल बी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसको मैं देखता हूँ क्या वैल्यू बनती है। ये 5 5 जा 25 हो जाएगा, 10 के 0 1 1 दिस, और ये 0.25। तो कितने रुपए पेबल हो जाएगा इंटरेस्ट, 110.25। इंटरेस्ट पेबल विल बी 110.25। तो इसका मतलब अमाउंट पेबल आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद अगर वो पैसे देने आएगा तो उसको कितने देने पड़ेंगे। प्रिंसिपल कितना था थर्ड ईयर का, 2205, ₹2205। अब उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, कितना, 110.25। तो इसका मतलब उसको कितने पैसे देने पड़े, 0.25 एज इट इज, 5 एज इट इज, 1 एज इट इज, 3 एज इट इज, दिस मच। तो इसका मतलब अगर वो 3 साल बाद अमाउंट पे करता है तो उसको 2315.25 रुपीज पे करने पड़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। तो इसमें हमने हर साल का निकाला है, हर साल पहले साल कितने देने पड़ेंगे 2100, दूसरे साल उसको कितने देने पड़ेंगे 2205, और तीसरे साल उसको कितने देने पड़ेंगे 2315.25। थर्ड पार्ट इसमें क्या पूछ रहा है, डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न्ड इन सेकंड एंड थर्ड ईयर। सेकंड और थर्ड ईयर में जो इंटरेस्ट अर्न किया है उनका डिफरेंस करना है। ये सी पार्ट था हमारा, ये हमारा ए पार्ट था, और यहां से हमारा बी पार्ट था। ठीक है, तो हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में इंटरेस्ट अर्न्ड, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्न्ड इन सेकंड एंड थर्ड ईयर, सेकंड और थर्ड ईयर में जो इंटरेस्ट कमाया उनका डिफरेंस बताना है। तो थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट कमाया है, 110.25। सो फॉर थर्ड ईयर इंटरेस्ट इज ₹110.25, यही बात है। और सेकंड ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना कमाया था, 105, और सेकंड ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना है, ₹105। तो इसका मतलब क्या आ गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस विल बी हाउ मच, दिस माइनस दिस वैल्यू, तो 0.25 तो एज इट इज, और इसमें से माइनस करोगे तो 5। तो तीनों साल का सेकंड और थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट था उसके डिफरेंस में कितना आ गया, 5.25। ठीक है, अब बहुत से बच्चे आप में से ये भी सोच सकते हैं कि हमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी आता है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी आता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। जिन्होंने पहले थोड़ा बहुत कर रखा है उनके मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि हमें तो पहले फॉर्मूला याद है, लेकिन हम डायरेक्ट फॉर्मूला किन कंडीशंस में लगाएंगे और किन में नहीं लगाएंगे ये भी हमें पता होना चाहिए। जब मुझे क्वेश्चन में इस तरह से ईयरली कैलकुलेशन पूछ रखी है, ईयरली वैल्यूज पूछ रखी है, तो मुझे ज्यादा अच्छा तरीका जो है वो यही है कि मैं पर ईयर की कैलकुलेशन करके दिखाऊं जैसे हमने की है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ सिंपल ये पूछ रखा होता फाइंड द अमाउंट पेबल आफ्टर 3 ईयर, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें सेकंड ईयर का भी पूछा हुआ है, थर्ड ईयर का भी पूछा हुआ है, अमाउंट पेबल आफ्टर फर्स्ट ईयर भी है। तो इस केस में आपको हर स्टेप पे ऐसे ईयरली कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी। क्लियर है। अब ये जो बातें थी, ये अमाउंट पेबल आफ्टर फर्स्ट ईयर निकाल लिया, अमाउंट पेबल आफ्टर सेकंड ईयर, और अमाउंट पेबल आफ्टर थर्ड ईयर। ठीक है, अब चलो हम थोड़ी सी बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। फॉर्मूले में जैसे मुझे कहा गया, मान लो फर्स्ट ईयर है, मान लो फर्स्ट ईयर के लिए मैं इंटरेस्ट निकालता हूं, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, मुझे बताया कि क्या फॉर्मूला होता है, पी आर टी डिवाइड बाय 100। पी मीन्स प्रिंसिपल, आर मीन्स रेट, टी मीन्स टाइम। सो दिस इज द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो अमाउंट जनरेट कितना होगा मेरे पास, पी प्लस पी आर टी बाय 100। अमाउंट तो इतना ही जनरेट होगा, ये जो मेरा प्रिंसिपल था और ये जो मेरा इंटरेस्ट था, तो इतना अमाउंट जनरेट हो गया। अब हम सेकंड ईयर की बात करते हैं। अब सेकंड ईयर में हमने कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होगा, कि जो अमाउंट है प्रीवियस ईयर का वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। सो प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर देखिए आप क्या बनता है। अब इसको अगर मैं ठीक से लिखना चाहूं, अगर यहां पे मुझे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो पी मैंने कॉमन ले लिया, टी की जगह मैं 1 लिख देता हूं, क्योंकि मैं पहले साल की बात कर रहा हूं, फर्स्ट ईयर लिखा है तो पहले साल की बात कर रहे हैं, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस आर बाय 100। ठीक है, 1 प्लस आर बाय 100 आ गया।
सेकेंड ईयर की बात करते हैं तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर विल बी पी इंटू वन प्लस आर बाय हंड्रेड. ये जो अमाउंट आया था ये क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर. रेट और टाइम तो सेम है, टाइम सेम है मतलब हम सिर्फ सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं, रेट आ ही रहेगा. तो इसका मतलब इंटरेस्ट अर्नड इन सेकेंड ईयर, अगर मैं सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट कमा पाया ये देखूं, क्या फॉर्मूला था पी. अब प्रिंसिपल कितना है, ये सारी की सारी वैल्यू प्रिंसिपल है, इन टू रेट. अब टाइम इज वन ईयर तो टाइम में नहीं लिख रहा, डिवाइडेड बाय हंड्रेड. पी आर टी इज वन ईयर, चलो वन लिख दिया मैंने, डिवाइड बाय हंड्रेड. ये पूरे का पूरा प्रिंसिपल, क्योंकि पिछले साल का जो अमाउंट था वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट में. तो ये आ गया इंटरेस्ट अर्नड इन सेकेंड ईयर. अब अमाउंट रिसीव्ड इन सेकेंड ईयर कितना होगा? अमाउंट रिसीव्ड इन सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में अमाउंट रिसीव करने के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा? देखिए, इंटरेस्ट चाहिएगा प्लस प्रिंसिपल चाहिएगा, तभी तो अमाउंट बनेगा हमारा. तो प्रिंसिपल की वैल्यू मेरे पास ये थी, प्रिंसिपल तो ये था ही. अब ये वाला मेरे पास क्या है? इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट मैंने क्या लिखा? पी इंटू वन प्लस आर बाय हंड्रेड इंटू आर बाय हंड्रेड. ठीक है, इंटू वन था वो मैं नहीं लिख रहा, ये जो इंटू वन था ये वाला इंटू वन मैंने नहीं लिखा, ये लिख दिया मैंने. ठीक है, अब देखिए वन प्लस आर बाय हंड्रेड, वन प्लस आर बाय हंड्रेड दोनों टर्म्स में सेम है, तो मैंने वन प्लस आर बाय हंड्रेड को कॉमन ले लिया, ले सकता हूं. पी यहां भी है और पी यहां भी है, तो पी इंटू वन प्लस आर बाय हंड्रेड कॉमन आ गया. ये जो पूरी की पूरी टर्म थी ये क्या आ गई? कॉमन आ गई. अगर ये टर्म पूरी की पूरी कॉमन आ गई तो यहां पर क्या बचेगा? वन प्लस, और ये जो टर्म अगर पूरी की पूरी कॉमन आ गई तो यहां पर क्या बचेगा? आर बाय हंड्रेड. ये बात समझ में आई? ये तो प्रिंसिपल की वैल्यू थी, ये इंटरेस्ट की वैल्यू थी दूसरे साल में. तो मुझे जो कॉमन चीजें थी वो मैंने बाहर लिख दी, पी इंटू वन प्लस आर बाय हंड्रेड कॉमन था तो मैंने कॉमन निकाल लिया. यहां पर ये सारी टर्म बाहर चली गई तो यहां वन बच गया, प्लस प्लस ये सारा बाहर चला गया तो आर बाय हंड्रेड, आर बाय हंड्रेड. तो ये मेरे पास क्या आ गया? सेकेंड ईयर का अमाउंट आ गया. इसको मैं अगर रीअरेंज करके लिखूं तो दिस कैन बी रिटन एज वन प्लस आर बाय हंड्रेड पावर टू. यही बात है. ये किसका था? ये तो था सेकेंड ईयर के लिए. फर्स्ट ईयर के लिए हमने यहां पे लिखा था, फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास क्या था? अमाउंट विल बी पी इंटू वन प्लस, यहां पे पावर वन लिख देता हूं. तो फर्स्ट ईयर के लिए जो अमाउंट आया पी इंटू वन प्लस आर बाय हंड्रेड पावर वन आया. सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट जो आया पी इंटू वन प्लस आर बाय हंड्रेड पावर टू आया. इसी तरह से अगर मैं देखूं, अगर मुझे एन ईयर्स के लिए निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर, दिस इज द अमाउंट, अमाउंट फॉर एन ईयर्स वेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली. अभी तक हमने कोई और केस किया ही नहीं है, सारे कंपाउंडेड एनुअली के केस हैं. तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? वन प्लस आर बाय हंड्रेड पावर एन हो जाएगा. एन इज द नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स. यहां पे देखिए दूसरे साल की बात कर रहे थे ना, दो सालों की बात कर रहे थे तो यहां पे ईयर टू आ गया था, यहां पे एक साल की बात कर रहे थे तो पावर में वन आ गया था. अगर हम ऐसे ही आगे चल के करते जाएं तो जितने भी ईयर की बात करोगे, टू ईयर, थ्री ईयर, फोर ईयर, फाइव ईयर, उतने ही यहां पर पावर होती चली जाएगी. तो ये जो हमारे पास ये है, ये अमाउंट है कितने साल का? एन ईयर का. किस केस में? व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली. कंपाउंडेड एनुअली का मतलब ये है कि अब जब मैंने हिसाब किताब जो मुझे करना है आपके साथ, अगर मान लो मैंने आपको पैसे दिए हैं या लिए हैं, जैसे भी हैं, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब ये है कि जो भी हिसाब किताब होगा सारा साल में एक बार होगा. तो इसका मतलब, एक बार होने का मतलब हम एक बार बैठ के कैलकुलेशन करेंगे और जो कैलकुलेशन आएगी, जो अमाउंट आएगा वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा. साल में एक बार होगी बस कैलकुलेशन. ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली भी हो सकता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली भी हो सकता है, कंपाउंडेड क्वार्टरली भी हो सकता है. इनका क्या मतलब है? अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो इसका मतलब मैं आपके पास दो बार आऊंगा हिसाब करने. पहले छह महीने में आऊंगा हिसाब करने, फिर एक अमाउंट निकलेगा. अब छह महीने बाद आफ्टर सिक्स मंथ्स प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा. अब छह महीने बाद प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा. जो अमाउंट बना है इट बिकम द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट सिक्स मंथ्स. समझ में आई बात? इसी तरह कंपाउंडेड एनुअली में तो वन ईयर का टाइम होता है ना, एक साल के बाद प्रिंसिपल चेंज होगा, इसमें छह साल के बाद चेंज होगा. क्वार्टर क्या होता है? वन फोर्थ ऑफ एन ईयर विल बी थ्री मंथ्स. तो इसका मतलब क्या हो गया
कि इसमें जो प्रिंसिपल चेंज होगा वो हर 3 महीने के बाद चेंज हो जाएगा, इसमें जो प्रिंसिपल चेंज होगा वो हर 6 महीने बाद चेंज होगा, इसमें जो प्रिंसिपल चेंज होगा वो हर साल चेंज होगा। सिर्फ प्रिंसिपल चेंज नहीं होता, रेट में भी वेरिएशन आएगी, वो हम आगे करेंगे जो भी हम इन दोनों केसेस को जब डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना ही समझ सकते हैं कि कंपाउंडेड एनुअली मीन्स साल में एक बार कैलकुलेशन होगी, जो अमाउंट आएगा इट बिकम्स प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर। हाफ ईयरली का मतलब कैलकुलेशन 2 बार होगी साल में, पहले जब हमने 6 महीने बाद कैलकुलेशन की, देन द अमाउंट विच वी गेट बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। इसी तरह से क्वार्टरली में क्या होगा, 3 महीने बाद हिसाब किया जाएगा, जो भी अमाउंट बनेगा इट बिकम्स प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, और नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद जो कैलकुलेशन होगी, द अमाउंट विच वी गेट बिकम द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। इस तरह से काम होगा, रेट में वेरिएशन आएगा लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे जब इनके केस डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा कैसे लिखा गया है ये पी इन टू 1 + r/100 n, और कब यूज करना है और कब ये नहीं यूज करना, ये भी हमने डिस्कस किया इस वीडियो में। सो गाइज थैंक्स।